अनुग्रह करो। रफीक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, पेचीत को तनख्वाह रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, तनख्वाह रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, आवाज दो, इसको लागू करो, लागू करो, लागू करो। गवर्नमेंट से होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी से होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में बात करो, कुर्सी छोड़ दो। होश में बात करो, कुर्सी छोड़ दो। रेगुलराइज को लागू करो, लागू करो, रेगुलराइज को लागू करो। इंप्लीमेंटेड छुट्टी रियासत जम्मू कश्मीर की मुलाजमीन की एक नुमाइंदा तंजीम है और हम आज एडहॉक डेली वेजल और टेम्पररी जो मुलाजमीन है उनके मामला और मसाइल के हवाले से यहां पर उनके सपोर्ट में आए हैं। एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तहिया किया हुआ है कि हम हर हफ्ते यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से और इनका मिनिमम वेज एक्ट की हम डिमांड कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा मुतालबा ये भी है कि जिस तरह से सरकार ने एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ कमिटमेंट की थी कि रहबर के रहबर जलात और रहबर जंगलात के हवाले से उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो मरतब की जाएगी। आज हाई एम्पावर कमेटी की मीटिंग है सेक्रेट में, उनके मामला के हवाले से हम चाहते हैं कि एडहॉक मुलाजमीन जो है इनके हक में भी एक हाई एम्पावर्ड कमेटी तश्कील दी जाए और जो जो इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट है उसको यहां पर लागू किया जाए। उसी हवाले से एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी प्रोटेस्ट आपसे कि हम हर हफ्ता यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे और अगर वो तब भी मामला हल नहीं हुए तो जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजमीन है 4.5 लाख मुलाजमीन सारे के सारे सड़कों पर निकल आएंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे इन गरीबों के इनके मामला हल करें ताकि इनके इनकी जो मसाइल पिछले तकरीबन 20 साल से पेंडिंग इश्यूज हैं इनको हल किया जाए।